हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल है। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सैटर्न की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सैटर्न इन द सेवंथ हाउस। इससे पहले मैंने 1 to 6 हाउसेस का बताया है। सैटर्न 1 से 6 हाउसेस में अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं, आज हम शनि का 7वें भाव में क्या असर होता है आप पे ये जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। शनि जब 7वें भाव में होता है, 7वां भाव हमारी मैरिज का होता है, यूनियन का होता है, पार्टनरशिप का, बिजनेस का। आपका पार्टनर कैसा होगा, कैसा दिखेगा, उसका लुक कैसा होगा, ये सब जो है हम 7वें हाउस से देखते हैं। आपके मैरिज बेसिकली हम 7वें हाउस से देखते हैं। और वहाँ पे जब शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह होता है हमारे कर्म का, कर्म फल दाता होता है शनि। शनि हमारे कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें फल देता है। वो हमारे 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होता है। ओरिजिनली काल पुरुष के कुंडली अकॉर्डिंगली वो हमारे प्रोफेशन और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इनकम होती है, वहाँ का लॉर्ड होता है। शनि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ज़िंदगी में जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स अवर होम, रूल्स रेगुलेशंस बाउंड्रीज को डिनोट करता है। शनि जो है वो हमारे सौरव ग्रीफ का भी प्लैनेट है। शनि हमारे जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें डीले जो होता है उसको डिनोट करता है। शनि हमारे लॉन्ग प्रोसेस को डिनोट करता है। आयरन कोल इनसे रिलेशन भी अगर होता है तो वो शनि ही डिनोट करते हैं। शनि जो होते हैं हमारे को, क्योंकि वो कर्म फल दाता होते हैं, तो हमारे जो अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है लाइफ में, आफ्टर वी डू अवर डीड्स प्रॉपरली, हम अपने कर्म को जब अच्छे से करते हैं तो अल्टीमेट हैप्पीनेस भी हमारे को शनि ही प्रोवाइड करता है। सैटर्न जब 7वें हाउस में होते हैं तो सबसे पहले तो वो आपके मैरिज या मैरिज रिलेटेड थिंग्स को डीले कर देते हैं, आपके प्रोसेस को लंबा कर देते हैं। अगर यहाँ पे रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो इसके रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। शादी जल्दी हो जाती है, इंसान उससे सीखता है, आगे बढ़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर सैटर्न है जो कि रेट्रोग्रेड नहीं है, तो यहाँ पे जो शनि होते हैं वो आपकी मैरिज को डिले थोड़ी देर में प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली आफ्टर 28, 30, 35 ऐसी एज में हमारी मैरिज ज़्यादातर पॉसिबल हो पाती है। शनि जो है वो आपके आपको मैच्योर पार्टनर देते हैं। एक पार्टनर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा, या तो उनकी एज डिफरेंस आपके बीच में ज़्यादा होगा, हो सकता है आपसे एल्डर हो, या फिर हो सकता है कि उनकी सोच ऐसी मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना इस मैरिज में, उसमें आपको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न, चाहे वो अच्छी डिग्निटी में हो, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न होते हैं वो दिग्बली होते हैं। यहाँ पे आपका जो सैटर्न है, आपको ज़्यादातर जो पार्टनर है वो ऐसा देता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से देखता है। तो इमोशनल जो टच होता है, जो फन एलिमेंट होता है आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा इसमें मिसिंग होता है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाता है और आप खुद भी मैरिज में रह के बहुत ज़्यादा बर्डन सम महसूस करते हो कभी कभी। कभी आपको लगता है कि आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है आफ्टर मैरिज। एंड स्पेशली अगर आपने मैरिज जो है वो अर्ली एज में कर ली है, शुरू में अगर आपकी 20, 25 ऐसी एज में आपकी मैरिज हो गई है, तो उस समय स्पेशली जो सैटर्न यहाँ पे होता है तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, ऐसा महसूस आपको होने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप जो मैरिज है वो लेटर एज में ही करें, 30 क्रॉस होने के बाद, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पे जब सैटर्न होता है तो आपको वो मैच्योरिटी प्रोवाइड कर देता है जो आप लेटर स्टेज में जाते हैं अपनी लाइफ के, कि आप अपने जो मैरिज में इश्यूज क्रिएट होने भी वाले हैं उनको मैच्योरली कैसे डील करना है वो आप अच्छे से जान जाते हैं। यहाँ पे जब सैटर्न होता है तो आपको आपका जो पार्टनर है वो लॉयल मिलता है, आपका उन पे ट्रस्ट जो होता है वो रहता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लॉयल पार्टनर होता है। और आपकी जो मैरिज होती है उसको लॉन्जिविटी भी प्रोवाइड करता है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपकी मैरिज बहुत जल्दी टूटने वाली ऐसा नहीं, चांसेस नहीं होते यहाँ पे।
अगर आपको कुछ प्रेशर भी महसूस हो रहा है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर से थोड़ा अलग होना है, तो भी उस प्रोसीजर को जहाँ बैठा सैटर्न जो है वो लंबा कर देता है। अगर आप लॉयर के पास जाते हैं अपने आप को सेपरेट करने के लिए अपने पार्टनर से, तो भी यहाँ पे वो जो केस है वो काफ़ी टाइम तक चलता है, ऐसा देखा गया है। यहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं उसको मजबूती तो ज़रूर प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉयल पार्टनर मिलता है और स्टेबिलिटी जो लाइफ में चाहिए होती है, रिलेशन में चाहिए होती है, वो ज़रूर प्रोवाइड करती है। पर आपको एक जो आप ढूंढ रहे होते हैं, जो इमोशनल टच ढूंढ रहे होते हैं, जो कनेक्शन, वो थोड़ा सा आपको मिसिंग फील होता है। इसीलिए आपको जो अपनी लाइफ है थोड़ी मोनोटोनस, थोड़ी बोरिंग सी लगने लग जाती है। अगर यहाँ पे जो सैटर्न है वो बैड डिग्निटी में है या अपने किसी शत्रु ग्रह के घर में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है इंसान को कि उसको या तो वो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता या शादी के बहुत ज़्यादा ही खिलाफ होता है, कुछ ऐसा भी होता है अगर यहाँ पे बैड डिग्निटी में है। तो यहाँ पे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में आप जा सकते हैं, आप कोल से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है वो भी आपको मैच्योर ही मिलता है, क्योंकि ये पार्टनर का हाउस होता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, आपको ये चीज़ देखने को ज़रूर मिलती है। बट ये प्लस पॉइंट की तरह काम भी कर सकता है इन प्रोफेशनल फ्रंट, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चाहिए होती है पार्टनरशिप में, तो उस वे में आपको पॉजिटिवली भी एक काम कर सकता है। सेवंथ हाउस में हो के सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो नाइन्थ हाउस में होता है, जो कि लॉन्ग ट्रेवल का होता है, रिलीजन का होता है, फादर के साथ आपके रिलेशन का होता है। यहाँ पे जो लक होता है वो भी होता है, तो आपका जो लक है वो आपको जनरली फेवर करता है लेटर ईयर्स में। लाइफ के जो फर्स्ट सैटर्न रिटर्न होता है उसके बाद ही जनरली आपको 30s के बाद, 31 के बाद आप ज़्यादातर थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो लक का फेवर है वो महसूस करते हैं। आपके जो रिलेशन होते हैं विद योर फादर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उनके साथ आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो मतलब से थोड़ा बहुत ही जैसे बात होती है वही आप लोगों का रिलेशन रहता है। यहाँ पे रह के सैटर्न जो है वो आपको लॉन्ग ट्रेवल ज़रूर प्रोवाइड करता है लेटर लाइफ में स्पेशली, एंड आफ्टर मैरिज। इसमें यहाँ पे देखा गया है कि आपका फॉर्च्यून जो है वो राइज होता है आफ्टर मैरिज एंड स्पेशली आफ्टर 36 ऑफ ईयर, 36 की जो एज होती है उसके बाद आपका फॉर्च्यून आपके लिए राइज करता है। मैरिज आपके लिए फॉर्च्यून का काम करती है, आपके काम थोड़े से बनने लग जाते हैं, और हो सकता है अगर आपको फॉरेन में जाके सेटल होना हो तो उसमें भी ये जो सैटर्न है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर करता है। बट आपको जो है वो स्लोली अगर आप अपने एफर्ट्स डालेंगे तभी ये जो सैटर्न है वो आपको ये रिजल्ट्स, जो बेनिफिशियल रिजल्ट्स होते हैं, आपको लेटर लाइफ में देता है। सैटर्न का जो सेवंथ एस्पेक्ट है सेवंथ हाउस से फर्स्ट हाउस में पड़ता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का होता है, सेल्फ का होता है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से जो सैटर्न है वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल खुद को भी बना देता है, मैच्योर बना देता है। बहुत जो यंगर एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं। आपका सोचने का तरीका जैसे बड़े लोग होते हैं, अगर आप अपनी मान लीजिए अगर आपकी 21 एज है तो आप 30 प्लस ऐसी सोच आपकी होगी, उन लोगों की जैसी सोच होगी। मैच्योर बहुत होते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हर चीज़ को अपने काम को जो है आगे बढ़ाने लगे रहते हैं, और बहुत ज़्यादा फन एलिमेंट आपकी लाइफ में नहीं होता है। सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है आपके फोर्थ हाउस में पड़ता है। फोर्थ हाउस होता है आपकी मदर का, आपके होमलैंड का, होम एनवायरमेंट का, आपकी हैप्पीनेस का। तो यहाँ पे जब सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा होता है तो आपकी हैप्पीनेस में थोड़े वो हिंड्रेंसेस ज़रूर प्रोवाइड करता है। बट अगर बात करें प्रॉपर्टी की, लैंड की, तो आपको यहाँ पे आपके पास लैंड हो सकते हैं, एक या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट जो लैंड का जो फ़ायदा होता है वहाँ रह के, उसका जो हैप्पीनेस होती है वो आपको कम देखने को मिलेगी, एंड आपका जो होम एनवायरमेंट होगा वो भी काफ़ी शांत वाला होगा, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के आपके घर में लोग नहीं होंगे, आपसे एकदम बात करने वाले कनेक्टेड फील होना ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होगा। आपका जो
अपब्रिंगिंग हुई होगी, बचपन की जो अपब्रिंगिंग हुई होगी वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगी, थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस आपको ज़रूर फेस करने को मिले होंगे। एंड आपकी जो मदर है उसके यहाँ पे अगर बैड डिग्निटी में वो देख रहा है तो उनकी हेल्थ में भी थोड़े से प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करता है। बट यहाँ पे है वो आपको प्रॉपर्टी के लिए ज़रूर यहाँ पे सैटर्न हेल्पफुल रहता है। आज के लिए इतना ही, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सैटर्न का अफेक्ट 8th हाउस में बताऊंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।